नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं पूनम। बीजेपी महासचिव और इंदौर एक सीट से प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय पर कांग्रेस ने शपथ पत्र में आपराधिक मुकदमे छुपाने का आरोप लगाया है, जिसमें पश्चिम बंगाल में महिला से जुड़ी शिकायत के अलावा छत्तीसगढ़ के प्रकरण में फरार घोषित होने के बावजूद जानकारी नहीं देने की बात कही। कैलाश विजयवर्गीय ने 30 अक्टूबर को दिए शपथ पत्र में अपने खिलाफ 5 केस की जानकारी दी थी। इनमें कांग्रेस जिन दो प्रकरण को लेकर आरोप लगा रही है उनका जिक्र नहीं था। इसी के चलते विवाद खड़ा हो गया है। इंदौर में बुधवार को कांग्रेस प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि दुर्ग में 1999 से जारी केस में विजयवर्गीय कोर्ट से भगोड़ा घोषित हैं। पश्चिम बंगाल में उनके खिलाफ महिला के साथ आपत्तिजनक व्यवहार की शिकायत हुई थी, जिससे बचने के लिए वे खुद सुप्रीम कोर्ट गए थे। बावजूद भगोड़ा घोषित व्यक्ति इंदौर में सरेआम घूमकर प्रचार कर रहे हैं। कोई आम नागरिक होता तो उसे पुलिस पकड़ लेती। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में एक महिला आरोप लगाती है और कोर्ट पुलिस को कहती है कि केस दर्ज करिए। विजयवर्गीय खुद सुप्रीम कोर्ट गए थे लेकिन राहत नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट को भेजकर संज्ञान लेने की बात कही, यानी केस खारिज करने की अपील जिसने खुद की। वे अब कह रहे हैं कि उन्हें केस का अंदाजा ही नहीं था, ये सरेआम झूठ है। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।